नेम रिजवान मा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट सम स्पेसिफिक ब्लॉक दिस वीडियो इज़ अबाउट द पोजेसन जिन छः ब्लॉक्स में पोजेसन ओवरऑल अनाउंस किया गया है जिनमें पाँच ब्लॉक ओवरसीज़ के और एक ब्लॉक एग्जिव का जिसके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो लास्ट टू वीक्स पहले तकरीबन बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर पर एक पॉपअप आएगा उसमें भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हैं सेकेंडली अब मैं इस वीडियो में टाइमलेस में शामिल करने की कोशिश करूँगा कि हर ब्लॉक में ओवरऑल जो साइट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है और पहले वहाँ पे क्या डेवलपमेंट थी उसके हवाले से आपको डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर चेंजेस क्या आए हैं इन रिसेंट डेज ये एंट्रेंस टू का गेट है इनफैक्ट ये भी, भी हाफ से तोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पे मशीनरी के गुजरने की जगह नहीं थी हैवी मशीनरी की तो उसके बाद इसको हाफ में कन्वर्ट कर दिया गया है अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे ये एंट्रेंस रोड टू है एक्सेस रोड टू जिसमें अगर आप स्मार्ट सिटी एंटर हो रहे हैं और आपकी लेफ्ट साइड पर यानी आपका फेस टूवर्ड सी ब्लॉक ओवरसीज है तो लेफ्ट साइड पर जो ब्लॉक है उसका नाम है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक ये उसमें इनिशियल जो कटिंग और फिलिंग वाला काम होता है वो है इस वक्त जो आप ब्रिज की फुटेज देख सकते हैं ये आज से तकरीबन माह या माह पुरानी फुटेज है जब मैंने इस ब्रिज की अक्सर वीडियोज़ बनाया करता था तो उस वक्त जो स्टेटस था डेवलपमेंट का वो आपके सामने था आप नेक्स्ट फुटेज में आप देख पाएंगे कि ये ब्रिज आज के डेट में या ये वाला एरिया आज के डेट में कैसा दिखाई देता है यानी आज की डेट में आप अक्टूबर में अगर विजिट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में तो आपको ये ब्रिज वाला एरिया सारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा इनफैक्ट इसके लेफ्ट साइड पे एक बैशिंग प्लांट भी इंस्टॉल किया गया है जिसका मकसद जो बाकी एग्जेक्टिव और ओवरसीज के ब्लॉक्स हैं जिनमें भी कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी तो उन कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को हेल्प ओवर करने के लिए ये बैशिंग प्लांट अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है अगर हम बात करें कि जो ब्लॉक्स हैं डेवलपमेंट जहाँ पे पोजेशन दिया जा रहा है उनमें क्या स्टेटस है तो ओवरऑल सारे ब्लॉग्स जो हैं वो उनमें स्टेटस का भी अच्छा डेवलपमेंट का इनफैक्ट फाइनल फेजेस में डेवलपमेंट और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं पोजर्शन के हवाले से वो आपको मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें वीडियो है चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर ओवरऑल जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं और उस चार्जेस के हवाले से उनका जो टाइम फ्रेम है या एक्स्ट्रा लैंड चार्जेज हैं या कैटेगरी चार्जेज हैं उनके टाइम फ्रेम के हवाले से जो लोगों ने कमेंट्स ने इजहार किया था कि चार्जेज़ जो हैं उस पर से ज़्यादा लोगों का सवाल था कि जैसे डी एच ए बैरिया या मुख्तफ सोसाइटीज़ हैं वो डिवेलपमेंट के वक्त इनिशियली तीन साल का टाइम देते हैं डिवेपमेंट चार्जेस पे करने का तो यहाँ पे एक साल का टाइम फ्रेम जो है वो स्मार्ट सिटी की तरफ से थोड़ी ज्यादा है तो मैं इस बात को सेकेंड करूँगा क्योंकि जो भी सोसाइटी नई डिवेलप होती है तो वहाँ पर लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने ट्रस्ट का इजहार करते हैं उस स्पेसिफिक सोसाइटी पे तो उस सोसाइटी को भी चाहिए कि आगे से उन क्लाइंट्स को प्रिवेज दे कि उन क्लाइंट के यहाँ इनिशियली जो घर बनाने वाले लोग हों तो उनको यहाँ तो फेसिलिटेट किया जाए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस जिसमें एक बड़ा डिस्काउंट शामिल है नंबर वन नंबर टू है उसमें कि उसमें जो टाइम फ्रेम है डेवलपमेंट के चार्जेस पे करने का स्पेशली आफ्टर कोविड कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज़ की हैं बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा लोगों के मसला आया है तो उस चीज़ को देखते हुए सोसाइटी को उसमें मैक्सिमम तकरीबन तीन साल का टाइम फ्रेम देना चाहिए था इनफैक्ट मैंने सोसाइटी सोसाइटी ऑफिशियल के सामने अपनी जो आवाज़ है वो उठाई भी है और डेफिनेटली जब सोसाइटी उसमें तो अनाउंस करेगी तो इस टाइम फ्रेम में भी फैसेलेटेड लोगों को इन शाला किया जाएगा इस वक्त आप जो तो स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हैं ये ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक बी के स्कूल की फुटेज है और ये आज से तकरीबन तीन साढ़े तीन माह पहले की फुटेज है कि यहाँ पे इनिशियली एरिया कैसा दिखाई देता था और अभी आगे जाके मैं इसी के टाइम लैस शामिल करूँगा कि आज की डेट में ये वाला एरिया कैसा दिखाई देता है अगर डेवलपमेंट की पेस की बात की जाए तो सोसाइटी के ऑफिशियल्स को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा प्रेज करना चाहिए कि उन्होंने डेवलपमेंट की पेस को इस तरह से मेनटेन किया है कि इनिशियली जैसे कि अभी अपने सारी फ़ुटेज टाइम लैप्स में देखी है कि कैसे एरियाज़ का रुख बदला है यानी कि अभी स्कूल की जो फुटेज देख रहे हैं ये एरिया आप देख लें स्कूल की ये तीन माह पहले या ढाई माह पहले स्कूल ये ब्लॉक बी ये ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक बी जिसका आई थिंक जनवरी में पोजेसन है 2021 में उसमें क्या स्टेटस था डेवलपमेंट का और फिर कुछ ही मंथ्स के दौरान इवन दो कोविड के सिक्स मंथ जो थे ये कोरोना के इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवीली इम्पेक्ट किया था डेवलपमेंट को वहाँ पर सोसाइटी में क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा कोविड फैलने का ज़रिया होता है वो लोगों का एक साथ जमा होना होता है तो यहाँ पर सोसाइटी पर तकरीबन एट प्लस की लेबर काम कर रही थी तो उनका इस जगह से उनको भेजा गया कि ताकि काम को कोविड की फैलाव को रोका जा सके उसके बावजूद सोसाइटी ने अपने डेवलपमेंट की पेस को इस तरह से मेंटेन किया कि ये स्कूल जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं विद इन थ्री मंथ्स ग्राउंड ये प्रेमिसज जो बनती हैं ये सिक्स कनाल का एरिया है अगर हम बात करें यार्ड्स में तो थ्री थाउजेंड स्क्वेयर यार्ड बनता है और ग्राउंड प्लस फाइव यानी ओवरऑल जो लोअर ग्राउंड ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो फ्लोर्स हैं उसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया विदिन दिस पैसेज ऑफ टाइम वो डेफिनेटली सोसाइटी को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी डेवलपमेंट की पेस को और आने वाले अब कोविड का टाइम पीरियड चूंकि ख़त्म हो गया है तो आने वाले छः महीने में डेवलपमेंट की जो पेस होगी वो बताएगी कि आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट कहाँ तक जाएगी एज़ पर सोसाइटी ऑफिशियल्स के बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी या 2023 के स्टार्ट में अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं पाकिस्तान के तो ये जितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स ब्लॉक्स हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक्स उनकी पोजेशन हैंडओवर कर दी जाएगी इनफैक्ट अभी अप्रैल तक एक एक महीने बाद पोजेशन दिया जाएगा मुख्तलिफ ब्लॉक्स का या मुख्तलिफ सेक्टर्स का एक ब्लॉक के उसके बाद हर तीन तीन महीने बाद हर क्वार्टरली एक सेक्टर uh, का पोजिशन हैंड ओवर किया जाता रहेगा ये आज की डेट में ओवरसीज ब्लॉक बी का स्टेटस है कि यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस जो आपके सामने है वो मुकम्मल हो चुका है स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं फुटपाथ का काम हो चुका है हॉर्टिकल्चर जो स्ट्रीट्स में होता है नॉर्मल हॉर्टिकल्चर उसका काम भी हो चुका है इस वक्त आप सी ब्लॉक की फुटेज देख सकते हैं और सी ब्लॉक में इनिशली जो स्ट्रीट्स uh, का सिर्फ सिर्फ लेआउट प्लान सेट किया गया था उसके बाद स्ट्रीट की क्या हालत थी और उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद जब उन स्ट्रीट्स को कारपेट किया गया तो उस वक्त जो ब्लॉक सी था उसका स्टेटस ये था और अभी जो आपको सेंटर में आगे विलाज नज़र आ रहे हैं मैं आगे जगह विलाज की फोटो शामिल करता हूँ कि विलाज अभी ब्लॉक सी में तकरीबन हर एक जो स्ट्रीट नंबर फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन उस पर जो विलाज हैं उनका कंस्ट्रक्शन का स्टेटस ये है कि तकरीबन तमाम विलाज अप टू सेवन फ़ीट यानी जब पहला बीम डलता है घर में ग्राउंड फ्लोर के अप टू सेवन फ़ीट वहाँ पर विला की डेवलपमेंट का काम हो चुका है और इसके बाद जो आगे सी ब्लॉक के बिल्कुल सामने you <laughs> मस्जिद के सामने एक टेंट -टें एंड कनाल के टू प्लॉट्स थे जो लेक फेसिंग थे यानी चहान डैम फेसिंग प्लॉट्स और जिनके नीचे ऑफिसिज़ बनने थे यही वो मस्जिद की प्रेमिसज आप देख सकते हैं कि पहले इस साल के शुरू में अगर किसी ने स्मार्ट सिटी विज़िट किया हो तो मस्जिद के प्रेमिस का एरिया कुछ यूँ दिखाई देता था और अभी आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि मस्जिद के एरिया जो प्रेमिस थे वो आज की डेट में कैसे दिखाई देती हैं तो ये जो मस्जिद के सामने बेसिकली कमर्शियल प्लाट्स कमर्शियल प्लाट्स थे टेंट एंड कनाल पर उनकी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस बेस वक्त ये है कि इस वक्त उसका ग्राउंड फ्लोर जो है उसके Ну yep. बीम होते हैं वो अप टू सेवन फीट जहाँ पे जाके पहला आप कह लें कि बीम डलता है कॉलम uh, जो है वो सेवन फीट तक इनकी राइज कर दिया गया है जहाँ पे पहला बीम डलेगा कमर्शियल प्लॉट का ये इनिशियल फेज था तकरीबन आज से ढाई महीने पहले की फुटेज है ये ये जो टाइम लैप्स आप देख सकते हैं इसके बाद मैं नेक्स्ट शामिल करता हूँ कि अभी उसके बाद फिर चेंजेस जो आए थे उसी साइड पर क्या चेंजेस आए थे अभी जो स्क्रीन पर फुटेज देखेंगे नेक्स्ट वो होगी आज से एक महीना पहले ये जो आप फुटेज देखते हैं ये एग्जैक्ट आग से तकरीबन थ्री वीक्स या फोर वीक्स पहले की फुटेज है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन थ्री वीक्स पहले की मोस्ट यहां पर इस वक्त जो मस्जिद का लेआउट प्लान है मुकम्मल हो गया और जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है लोअर ग्राउंड फ्लोर एक दस कनाल के प्लाजा का पूरा तैयार हो गया इनफैक्ट पार्किंग वाला फ्लोर भी उसके बाद लोअर ग्राउंड और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के जो बीम्स हैं वो सेवन सेवन फीट तक रेडी हो चुके हैं इस वक्त और आगे जाके जो भी ब्लॉक ई e आएगा ब्लॉक ई e में जो ब्लॉक डी है इनफैक्ट इस नेक्स्ट ब्लॉक उसमें फाइव मरला और टेन मरला के प्लाट्स हैं उन्हें शामिल हैं क्योंकि उसकी टाइम लैस मेरे पास नहीं थी ज़्यादा ब्लॉक ई e है ब्लॉक ई e में इस वक्त सिर्फ फाइव मरला के प्लाट्स हैं प्लस फाइव मरला के विलाज हैं जहाँ पर अभी डिवेलपमेंट का स्टेटस ये है कि वहाँ पर बाई दी एंड ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन पोजेसन हैंड ओवर कर दिया जाएगा ये ब्लॉक बी की फुटेज uh, है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक बी और ये एंड पे जो टाइम लैप्स हैं कुछ मेन बलबेट्स के ये कारपेट हो चुका है मेन बुलवेट यहाँ तक ये वाला रोड भी आगे ब्लॉक डी से ब्लॉक ई e को कनेक्ट करता है सो सोयर दिस वॉज एट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी बुकिंग के केवल से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल है मुझे वाट्सअप कर सकते हैं रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़